अगर आपके सर से अभी तक बिग बॉस सीजन 13 का हैंगओवर नहीं उतरा है तो अच्छी बात है। तो हम आपको कुछ यादें जो है बिग बॉस 13 की और याद दिला देते हैं और भी ताजा कर देते हैं। नमस्कार, मैं अनुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार बिग बॉस सीजन 13 की वो झगड़े, वो लड़ाइयां जिन्हें रोकने के लिए सलमान खान ने भी अपना माथा तक फोड़ लिया था। तो चलिए शुरुआत करूंगी यहां पर। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, जी हाँ, जो शुरुआती दौर में तीन का एक ग्रुप बना हुआ था, जिसमें सॉरी चार का, जिसमें आरती सिंह, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल, इन चारों ने ही अपनी दोस्ती का एक अलग ही पार्ट लिया हुआ था और बाकी सभी घर वाले एक साइड पर थे। इतनी तगड़ी, इतनी प्रॉमिसिंग जोड़ी थी, इन सबकी प्रॉमिसिंग दोस्ती थी, लेकिन एक के बाद एक जो है वो सब अलग होते गए और एक वक्त ऐसा आया जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज का झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि दोनों के दोनों को रोकने के लिए धक्का मुक्की तक हो चुकी थी और घर वालों ने लोगों को बड़ी मुश्किल से रोका था। दूसरी और काफी इंटरेस्टिंग जो फाइट हुई थी वो हुई थी मधुरिमा और विशाल के बीच में। जी हाँ, मधुरिमा ने जैसे फ्राइंग पैन से मारा था विशाल को, पानी फेंकना, गाली गलौज करना, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, इन सभी चीजों को लेकर सलमान खान ने सबकी वाट लगा दी थी। सलमान खान ने इनको पूछा था कि आखिरकार ये क्या था। वेल, चलिए, ये था सबसे मतलब यू नो यूनिक तरीके की लड़ाई थी फ्राइंग पैन से मारना, क्योंकि बिग बॉस के घर में हिंसा अलाउड नहीं है। अब ऐसे में जब विशाल को फ्राइंग पैन पड़ा तो ये वीडियो जो थी वो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। चलिए, बिग बॉस सीजन 13 की एक और आपको ऐसी फाइट याद दिलाती हूँ जिसको आप सोचेंगे कि ये प्यार था या तकरार थी, वो है रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की। मैं आपको बता दूं कि दिल से दिल तक शो जो था वो इन्हीं कारणों की वजह से बंद हुआ था, क्योंकि सेट पर इन दोनों की बिल्कुल भी बन नहीं रही थी और झगड़े जो थे वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में इस शो को बंद करना पड़ा था, लेकिन जब ये दोनों घर के अंदर आए तो दोनों ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज को साइड में रखकर घर में रहना शुरू किया था। लेकिन ये बात जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चली। धीरे धीरे दोनों की फाइट जो थी वो मुंह जबानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला पर उंगलियां उठाने लगे और सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई पर। यहां तक कि सलमान खान को भी इनकी फाइट रोकने के लिए बीच में आना पड़ा था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चाय तक फेंक दी थी, वो भी खान साहब के सामने। वेल, चलिए चौथी लड़ाई आपको बता देती हूँ। यहाँ पर चौथी लड़ाई हुई थी मायरा शर्मा और रश्मि देसाई के बीच में। आपको याद होगा कि दोनों की फाइट कितनी जबरदस्त हुई थी और कोई कह नहीं सकता था कि इन दोनों की फाइट भी हो सकती है। वेल, ये तो थी कुछ यादें जो थी, बड़े ही फाइट थी लेकिन थे काफी एंटरटेनिंग। लेकिन आप लोगों के हिसाब से बिग बॉस सीजन 13 का कौन सा ऐसा एंटरटेनिंग मोमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आखिरकार आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, बिग बॉस के किसी सीजन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वेल, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर रिसर्च करूंगी और आप लोगों को इन सभी बातों के बारे में जानकारी भी दूंगी। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।